हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है और गुड न्यूज़ ये है कि किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड इसमें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीएड की डिग्री ही हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो गवर्नमेंट्स जो अगर आपको मिलती है किसी अदर स्टेट में भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है और उसके साथ साथ जो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बहुत ही बेस्ट होगा। यानी आगे इन फ्यूचर में भी आपको बहुत ही अच्छी जॉब के चांस और बढ़ जाएंगे। और सबसे मेन बात ये है कि आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, एक जॉब सिक्योरिटी हो जाती है आपकी अगर आपको जॉब मिल जाती है। तो चलते हैं इसके जो नोटिफिकेशन की तरफ कि किस डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज आई हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलते हैं साइट पर और चेक करते हैं नोटिफिकेशन की क्या लास्ट डेट है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो वैकेंसी जो है एंथ्रोपोलॉजी की नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं, बॉटनी की 23 हैं, कॉमर्स की 26 है, केमिस्ट्री की 26, एजुकेशन की 8 एंड इंग्लिश की 43, इकोनॉमिक्स की 23, ज्योग्राफी की 5, जियोलॉजी की 2, हिस्ट्री की 16, हिंदी की 7, इंडियन म्यूजिक की 1, लॉजिक फिलोसफी की 11, मैथमेटिक्स की 16, उड़िया की 31, फिजिक्स की 26, पॉलिटिकल साइंस की 20, साइकोलॉजी की 9, संस्कृत की 6, सोशियोलॉजी की 2, स्टैटिस्टिक्स की 6, जियोलॉजी की 20, होम साइंस की 4, तेलुगु की 1। यानी कि टोटल 24 आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट निकली हैं और जो टोटल पोस्ट हैं वो 335 हैं, जिसमें कि 116 वुमेन कैंडिडेट्स की हैं। यानी कि वुमेन्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी चेक कर लेते हैं, जो एज लिमिट है वो आपकी 21 to 32 ईयर्स होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 इन सर्विस कैंडिडेट, यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं उनकी 45 जो है। और उसके साथ साथ देखो 10 इयर्स का जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वुमेन को, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब जो वुमेन कैंडिडेट है तो वो 42 इयर्स की अगर है तो वो अप्लाई कर सकती है। तो वुमेन्स को यहाँ पर स्पेशली जो है प्रेफरेंस दी गई है। और बिल्कुल ध्यान से आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है 2 ईयर PGT, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास अगर देखो यहाँ पर लिख रखा है कि बीएड होगी तो अच्छी बात है, बट बीएड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट अदर देन बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जियोलॉजी शैल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स। यानी कि इनके लिए क्या है, आपके पास बीएड अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए आपके पास बीएड होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक मिनट, एग्जामिनेशन जो फीस है वो आपकी 400 रुपीज़ जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, मैट्रिक के आपके 10%, हायर एजुकेशन के 10%, बैचलर डिग्री के 20%, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के 30% और बीएड के 30%। तो जो रिक्रूटमेंट है वो आपका इंटरव्यू बेस होगा, यानी कि जिनके अच्छे स्कोर हैं तो उनके फुल चांस है। और इंटरव्यू जो है वो आपका 30 मार्क्स साइज में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो नॉन बीएड पोस्ट है जैसे पीजीटी, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनके लिए वेटेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी 60%।
तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है वेटेज इंक्रीज कर दी गई, क्योंकि जो बीएड है वो 30% है अलग उसमें, बट अगर इनमें क्योंकि पीजीटी कॉमर्स एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी जिनके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है तो वहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके 60% आपके पास 60% मार्क्स लगेंगे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिक्स ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन कैरियर असेसमेंट पर्सनैलिटी, इंटरव्यू बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। द कैंडिडेट इन 3 times ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन ईच कैटेगरी। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन कौन सी है भाई, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, स्पीक रीड एंड राइट उड़िया, ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इट मीन्स आपके पास उड़िया होना जरूरी है। ये यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ गई, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनके जिनके पास उड़िया होगी, सिर्फ मैक्सिमम वही के कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास उड़िया होती है, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास ये सब्जेक्ट्स नॉर्मली नहीं मिलता है। बट अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स वैकेंस जॉब हैं, कहीं पर भी मिल जाए द बेस्ट होती है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार आपको साइट भी दिखा देते हैं कहाँ पर आपको ये चेक करनी है, और क्या इसका अगर इनकी जगह पे आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना कि अगर इसकी जगह पर कुछ और डिमांड की गई है तो आप फिल कर सकते हो। तो देखो जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 December है, 8 November से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो नोटिफिकेशन है वो कल ही आया है ये, तो opsc.government.in ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।